प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां विकासशील भारत संकल्प यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने चंदा देवी नाम की एक महिला की सराहना करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। आप भी देखें ये वीडियो। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती है। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में आजकल शादी ब्याह होते हैं। जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए। जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में। जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे, नहीं नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र सेवापुरी में पीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में चंदा देवी नाम की महिला भाषण दे रही थी। उनके भाषण से प्रभावित पीएम मोदी ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हैं, क्या आपने कभी चुनाव लड़ा है? जिसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जेनिट टाइम्स।